बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्लाह का फजल करम से। आज ही मैं बनाने लगी हूँ मुरब्बे का पुलाव। ये देखिए, ये 8 मुरब्बे हैं, छोटी बड़ी, इनका पुलाव बनाना है। ठीक है, ये फ्रीज हुए हैं। अब इसको मैंने गर्म पानी के अंदर डालूंगी, फिर इसकी सफाई करनी है। चलते, मैंने बड़ा सा देचका लिया, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। ये पानी मैंने गर्म किया, इसके अंदर ये डाल रही हूँ आधा घंटा। इसी तरह गीला करना है, चले फिर सफाई करके फिर मिलते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्लाह के फजल करम से। आज बनाने लगी हूँ मुरगाबी का पुलाव। ये 8 मुरगाबी थी, वो मैंने पहले आपको दिखाई थी। ठीक है, सारे वो साफ़ कर लिया, सारा अच्छी तरह से देखिए, सारा पीस कर लिए। 4 किलो चावल है, 4 किलो चावल है, 3 पाव टमाटर है, 2 बड़े साइज के प्याज हैं, ये थोड़ा सा इंडियन बुखारा है, ये 6-7 मिर्चें हैं, सबस हैं बड़े बड़े, ये नींबू का रस है आधा कप, ये शिमला मिर्च है बड़े साइज की, ये चैनी सॉल्ट है, ये गर्म मसाला जो है सारा खड़ा मसाला जो है ना, सारी चीज़ें इसके अंदर, बादियान, बड़ी इलायची है, ज़ीरा है, स्प्रेड। चलते हैं फिर बनाने की तरफ। जी, मैंने प्रेशर कुकर के अंदर 1 लीटर पहले पानी का डाला है, मैंने डाल दिया उसके अंदर, ये डाल दिया। ये मैंने ऑन कर दिया है, 2 टेबल स्पून के अंदर भर के नमक डाल रही हूँ, थोड़े से मसाले, लौंग, दालचीनी, बादियान, ये डाल रही हूँ। मिनट मैंने इसको वेट लगाना है, जब इसकी सीटी बोलेगी 8 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये टमाटर का पेस्ट है, इसके अंदर मैंने सारे मसाले इकट्ठे काटे हैं। ठीक है, ये मिलन बुखार है, ये डाल रही हूँ, ये सबज मिर्च हैं, ये भी डाल रही हूँ, ये नींबू का रस है, ये छानने के अंदर इसमें छान के, ये चैनी साल्ट, ये डाल रही हूँ, ये गरम मसाले, ये डाल रही हूँ। अब इसके अंदर जाएंगे दूसरे मसाले, ये 2 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ, वैसे नमक अपनी मर्जी से आप डाल सकते हैं। 4 किलो चावल हैं, नमक इसके अंदर ज़्यादा ही डाल। ठीक है, हाफ टेबल स्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला पिसा हुआ ये डाल रही हूँ, 1 चुटकी इसके अंदर हल्दी डाल रही हूँ, कुछ के धनिया पिसा हुआ भर के 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दी। ठीक है, सारे मसाले डाल दिए। जो मैंने बड़ा पीला लिया है, इसके अंदर ये पूरा पैकेट ऐड कर जाएगा। इसके अंदर ये प्याज डाल, गोश्त का हमने इंतज़ार करना है, हमारा गोश्त हो जाए फिर मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए 8 मिनट मैंने रखा, ये हो गया गोश्त, वाह मैंने निकाल लिए, अब मैं फ्लेम मार करके बेच कर दूँगी। प्याज मैंने हल्के से पिंक करने हैं, कैसे हो गए कि अंदर मैंने सारे जो डाल सारे मैंने डाल लिया, अच्छी तरह फ्राई करना है। प्याज पिंक हो गए, 1 टेबल लसन पेस्ट भी डालूँ, ये देखिए लसन भी हो गया, ये सब पानी का डालूंगी, अलग निकाल देंगे।
एक टेबल स्पून के अंदर काली मिर्च पाउडर डालूंगी। मैंने ये रेसिपी की मिक्सिंग करनी है और करने के बाद फिर मैं इतनी अच्छी की बनाई हो रही है, वो इतनी अच्छी आ रही है हमारे घर में। आप लोग नहीं कुछ वो आ रही है कल आप मेरे ब्लॉग पर हाल गर्म है। ये देखिए मैंने कवर कर दिया, ढक्कन लगा दिया। ये बाल तक मानी इसको बंद कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमान आ गया, बाल आ गया इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये देखिए मैंने सारे चावल डाल दिए। जब चम्मच नहीं हलाना है, बहुत प्यार के साथ चम्मच से हलाना पड़े तो ज़्यादा नहीं करना। फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है। ऊपर मैंने ये तवा बनवाया जो दम देने के लिए ये रखा, ठीक है। चावल नीचे से लगते हैं, सारा ये कुछ हो गया। ये शिमला मिर्च है जी डाल रही हूँ। ये ज़रदा कलर है, फूड कलर। मैंने कटर कर दिया 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 10 मिनट हो गए। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त तैयार हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखो माशाल्लाह अच्छा ये तैयार हुआ है। अच्छी खुशबू आ रही पसंद है। आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, बेल आइकन को दबाना। हमारे घर आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे तो आओ में याद रखना और बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने फ्रूट चाट काट लिया है। ये सेब है, ये स्ट्रॉबेरी है, 2 किलो सेब है, 1 किलो स्ट्रॉबेरी है, ये बड़े साइज का 1.5 किलो का खरबूजा है,
एक दर्जन केला है। टेबल तीन टेबल टेबल स्पून है चीनी की, इसमें बारीक की है ये डाल रही हूँ। वैसे मैं तीन चार लीमू का रस भी डाला इसके अंदर ना, तो मैंने सेब काटा है ना उस टाइम। ये हाफ टेबल स्पून इसके अंदर काली मिर्च का, देखिए सारा मैंने इसी तरह मिक्स कर दिया। ये आज मैंने खाना तैयार किया है, डब्बों में पैकिंग करनी है इसकी। इसकी शूटिंग मुकाबला है उधर स्मार्ट डॉन, इनके अबू के बच्चों के अबू के कोई दोस्त वगैरह आ रहे थे, उन्होंने कहा जी साथ साथ में बनाना है, पुलाव भी बनाना है, साथ में चाय तैयार करनी है, डब्बों में पैक करके भेजनी है हमारी तरफ। सारी इसी तरह जी देखिए, सारी मैंने फ्रूट चाट भी डाल दी डब्बियों के अंदर पैक कर दिए, चावल सारे मैंने डब्बों के अंदर पैक कर दिए, सारी इसी तरह जाएंगे।